तो गाइस बज रहे हैं रात के 3। मेरी मैडम मुझे सोने नहीं दे रही है, उसको भूख लग रही है बहुत ज़्यादा ही। और फिर इतनी देर हो गई इसको, जी सोने का नाम नहीं दे रही, सो रही है 10 मिनट में उठ के जा रही है बार बार। तो अब मुझे भी भूख लग गई है, तो अब मैं मम्मी से 3 बजे बनवा रही हूँ मैकरोनी, क्योंकि मैगी है नहीं घर में। अगर मैगी होती तो मैगी बन जाती, बट मैगी नहीं है तो अब बन रही है मैकरोनी। और मम्मी बहुत इजी तरीके से मैकरोनी बनाती है। मम्मी की रेसिपी अगर जानना चाहते हो तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, तो मैं मम्मी की रेसिपी आप लोगों को बताऊंगी। तो गाइज मैकरोनी तैयार है, अब हम खा के बताते हैं कैसी बनी है। 3:40 पे मैकरोनी तैयार हो गई। सही बनी है, ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, पर मैं टेस्ट नहीं आ रहा। नमक मम्मी ने फिर से कम डाल दिया। आज मम्मी ने चावल बनाए थे बहुत टेस्टी, बट नमक कम था। इसमें भी ऐसे लग रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो गया है। गुड मॉर्निंग की सॉरी, गुड इवनिंग, क्योंकि मैं जो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज इवनिंग में ही कर रही हूँ। काम वाम था थोड़ा फैला हुआ था, उसको समेटवाया, साफ किया सारा, और अब खाना खाने जा रहे हैं हम लोग। आज मम्मी ने बनाई है आलू मेथी की सब्जी, और मैंने बोला था मम्मी को सेवियाँ बनाने के लिए, तो मम्मी ने सेवियाँ भी बनाई है, आप लोगों को दिखाती हूँ। और कल मतलब 26 जनवरी को मेरी सिस्टर का बर्थडे है, तो हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो उसके लिए सरप्राइज़ होगा, आप लोगों को नहीं बताएंगे। मतलब आप लोगों को क्या पता चली जाएगा, सिस्टर को नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमने उसके लिए ऐसा सरप्राइज़ प्लान किया कि उसको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा कि हमने उसके लिए कुछ किया है। तो व्लॉग में आगे बने रहिएगा और देखिएगा कि हमने उसके लिए क्या प्लान किया है, कैसे किया है। ये बनाई है मम्मी ने सेवैयाँ, जो मुझे बहुत पसंद है। ये आलू मेथी की सब्जी, ये कैसरोल में रोटी, और मैंने फिर बना ली चाय। अब हम पियेंगे चाय, इन्जॉय करेंगे। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर कुछ डेकोरेशन का सामान लेने। थोड़ा बहुत सामान घर पे रखा है, कुछ ईशा ने खुद ही ऑर्डर कर रखा था अपने बर्थडे के लिए, और बाकी जो नहीं है वो हम लेने जा रहे हैं। और केक जो है वो भाई ले आया था, उससे मंगा लिया था, उसका फेवरेट केक, मतलब हम सबको भी वही केक पसंद है, चॉकलेट मट केक। तो केक आ चुका है, अब हम जा रहे हैं क्योंकि गुड़िया सो गई है। गाइस हमारी गुड़िया सो गई है, तो अब हम जा रहे हैं फटाफट मौके में चौका मारने। तो गाइस हम लोग घर आ गए, घर आके मेरी लड़की ने इसके मामू का इसके मामू का दिमाग खराब कर दिया, पूरा घर सर पर उठा लिया। ये देख रहे हो इसको, गुड़िया देखो, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा रोती है अब ये, जबकि हम घर के पीछे गए थे तब भी इतना रो रही थी। दीदी गुड़िया को सुलाने की कोशिश कर रही है, और ये आके खोल के लेटी हुई है। और ये देखो गुड़िया ने कपड़े पहने हुए हैं, तो मेरी फ्रेंड ने कमेंट कर दिया था बहुत सुंदर लग रही है गुड़िया, है ना गुड़िया। हेलो, मैंने बना लिया खाना, खाने बनाए हैं आज काली मसूर की दाल, चावल, और साथ में चाय भी बना दी है, कुकू से धुआ रहे हैं, तो चाय भी रेडी हो चुकी है, कैटल में मैंने डाल दिया, बस वो 5 मिनट में आई रहे हैं। तो मैं आपको दिखाने आई थी ईशा के बर्थडे की डेकोरेशन का सामान, तो हम कुछ लेने गए थे बाहर से, ये सामान नहीं था तो हम ले आए, बस टियारा वगैरह कुछ मिला नहीं हमें। तो देखिए ये बर्थडे का सैशे है, ये पार्टी पॉपर, और ये वाली जो है कैंडल, ठीक है। बाकी और सामान जो है वो दिखाती हूँ मैं आपको, जो ईशा ने खुद ही अपने बर्थडे के लिए ऑर्डर किया था। तो मैं दिखा ही देती हूँ, ये डेकोरेशन तो हम लोगों को करनी है, उसने कर दिया था, उसे अच्छा लगा था तो उसने वही कर दिया। तो ये रहा हैप्पी बर्थडे का टैग, और ये वाइट कलर का पर्दा, ये गोल्डन और वाइट बलून्स, और इसमें डबल टेप भी आई है, और ये साथ में फेरी लाइट भी आई है। तो ये सब जो था ईशा ने ऑनलाइन मंगाया था, मीशो से ऑर्डर किया था। तो अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो बता सकते हो, कमेंट से बता देना, मैं अपनी सिस्टर से पूछ के बता दूँगी तूने कितने का मंगाया, कहाँ से मंगाया, लिंक वगैरह शेयर कर दूँगी। तो अभी हम थोड़ी देर में डेकोरेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे, खाना वाना खा के, क्योंकि रात को 12 बजे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वही करेंगे। ये सिद्धू जी आ गया, सिद्धू जी हेलो बोलो सबको। जी कुकू जी आ गई है, जो कुकू का बूट टूट गया था बेचारी, नुकसान हो गया। अब ये कुकू ने देखो ईशा के लिए सरप्राइज कार्ड बनाया है, ये हैंडमेड कार्ड है, हाँ बहुत प्यारा लग रहा है।
दिखाओ जरा ओपन करके क्या क्या आपने लिखा है। ओ वाओ, पहले कितना बड़ा था। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है। अभी पढ़ के बताऊंगी कैसा है, पढ़ा नहीं मैंने। और फ्रंट वो बैक दिखा और क्या पीछे क्या हो? ठीक है, अच्छा बनाया कुकू। और ईशा को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि तूने अपने हाथ से बनाया। आइडिया किसे दिया था? मैंने, कैमरा मैन ने दिया था आइडिया। हाँ, और ये गुड़िया सो गई है, जूता टूट गया। और इतनी जूते को दिखाने में इतनी मगन हो गई, फटाफट अंदर लेके आ गई। सारा मम्मी ने सफाई कर दी, झाड़ू पोछा लगा के गई थी, सारा इसने गंदा कर दिया लड़के ने। मैं पहनूंगी क्या? इसका हमेशा यही रहता है, इतने कपड़े लाती है, इतने सब कुछ लाती है, फिर बोलती है मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास जूते नहीं है, मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी। दिमाग सही है। चलो गाइस, अब इनकी लड़ाई फिर से शुरू हो गई है एज यूजुअल। दोनों बहुत लड़ाई करते हैं, आप सबको पता चल ही गया होगा। तो अब हम पहले चाय पीते हैं। चाय मैंने बना दी थी, मैंने जैसे बताया था चाय पियेंगे। ऑटो वोटो वाले वो ना घुसाए जा रहे स्कूटी में से, चिल्ला रही। क्यों चुपचाप बैठी थी? तू मत बोल कुछ। वालों की तरह चिल्ला रही। क्या बोल रही? नहीं भाई, वो सुना रही भाई, वो ट्रैफिक में ना हम लोग घुस रहे हैं और घुसाए जा रहे गाड़ी में। अच्छा, क्या बोल रही? कुकू देखो, मेंटल बोल दिया, खुद बड़ा सही है। देखो गाइस, दीदी लेकर आई है उनके लिए पानी, पूरा पीना। बचाना नहीं है भाई, चाय बच जाएगी। नहीं तो सॉरी, ठीक है गुगू, पूरा गिलास खत्म करना है। ओ सिद्धू ने तो खत्म कर दिया। चलो गुगू साथ ले ले, कोई बात नहीं, इतनी जल्दी नहीं है पीने की। पीले आराम से पीले, कोई बात नहीं। दीदी की तरह पीते, दीदी भी आराम से पीती है भाई। और क्या, यही तो टैलेंट है मेरे अंदर। झाड़ू लगा रही है गाइस। हम किसी और के घर में डेकोरेशन कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही, फ्री में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खाली पड़ा तो यूज कर रहे हैं घर का इस्तेमाल। ये झाड़ू लगा रही है गाइस, देखो दीदी लगा रही है पोंछा। और बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ गई है। ओ माय गॉड,